तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये चर्चा हम मिथुन राशि वालों के लिए कर रहे हैं। और मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपका चंद्रमा 3 नंबर के साथ आपकी लगन कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं 8 से 14 अक्टूबर के लिए कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे 8 और 9 अक्टूबर को जो चंद्रमा का ट्रांजिट होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए 8 और 9 अक्टूबर को, तो चंद्रमा आपकी राशि स्थान में ही ट्रांजिट करेंगे। राशि स्थान में चंद्रमा का ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कोई भी समस्या अगर चल रही थी तो वो दूर होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ने से आप कोई भी निर्णय बहुत जल्दी ले पाएंगे, बहुत फास्ट काम कर पाएंगे। और जो आपके पेंडिंग जो डिसीजन हैं वो अब लेने का समय आपके लिए आ गया है। जो भी आप निर्णय लेंगे वो आगे के लिए हमेशा के लिए सही जाएंगे। तो इस समय में जो भी इम्पोर्टेंट जो डिसीजन आपको फ्यूचर के लिए लेने हैं उनको आप इस समय लें। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जो खर्चे चल रहे थे फालतू के, वो अब आपके निपट जाएंगे। आपको ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ ही साथ अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और थोड़े से आप भावुक भी होंगे। तो इस समय में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा भावुक आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपने दिमाग की सुननी चाहिए, ना कि अपने दिल की। तो यहाँ पे चंद्रमा के ट्रांजिट से आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। सप्तम हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि से आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा। अभी तक जो समस्या चल रही थी अगर मैरिड लाइफ में, वो दूर हो जाएगी। किसी प्रकार का मनमुटाव था, आपसी बन नहीं रही थी आपस में, या आपसी कोई विवाद चल रहा था, तो वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा की सप्तम हाउस पे दृष्टि से आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई ऐसा नया काम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ होगा और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन है, अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं या पब्लिक के साथ आप किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन रखते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। आपकी वाणी काफ़ी मधुर होगी इस समय में, और आपका जो नेचर है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा। आपका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे हर कोई आपकी बात को मानने लगेगा। और आपकी वाणी में जो कठोरता थी, आपके नेचर में जो कठोरता थी, वो इस समय में दूर हो जाएगी। तो ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब अगर बात करें 10, 11 और 12 अक्टूबर को, तो चंद्रमा आपके राशि स्थान से दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ पर ये अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे। कर्क में चंद्रमा की स्थिति होने से इस समय में आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो वाणी है उसमें एक बार फिर से आप कोमलता देखेंगे, विनम्रता देखेंगे, मधुरता देखेंगे। तो जो भी कलाकार लोग हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप कविता करते हैं, या आप किसी प्रकार के राइटर हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, या आप कोई स्टेज पे कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या आप अपने वाणी के माध्यम से कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादातर बोलना पड़ता हो, तो उस काम के लिए चंद्रमा का ये ट्रांजिट आपके लिए खास रहेगा और आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इस समय में जो भी धन प्राप्त होगा उसको आप या तो अपनी फैमिली के सदस्यों पर खर्च करेंगे, यानी आप अपनी फैमिली पर खर्च करेंगे, या फिर आप उसकी सेविंग करेंगे। तो इस समय में आपके कुछ मूड में अचानक बदलाव भी आ सकता है। आपकी जो भोजन संबंधी आदतें हैं उनमें बदलाव आ सकता है। इस समय में अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर भी चंद्रमा के स्वराशि में रहने से आपकी जो सैलरी है, अर्निंग है, वो जरूर बढ़ेगी। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन आप शेयर कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली के लिए इस समय में कुछ भी कर जाएंगे। आप चाहते हैं आपकी फैमिली का इम्प्रूवमेंट करना, और वो इम्प्रूवमेंट आप इस समय में कर पाएंगे। यहाँ से चंद्रमा अष्टम स्थान को देखेंगे। अष्टम स्थान को देखेंगे तो आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाएंगे। यहाँ तक कि आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कहीं ना कहीं अचानक अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज से कोई धन लाभ हो सकता है। आपका इंटरेस्ट अकल्ट साइंसेज में हो सकता है, और आप
कोई ऐसी कहानी पढ़ सकते हैं इस समय में, कोई ऐसा उपन्यास पढ़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक हो। तो रहस्यात्मक जो बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट अवश्य रहेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है या फिर आपके अष्टम हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो निश्चित रूप से इस समय में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी आप अलर्ट कीजिए, और उनका भी ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी कोई अनहोनी हो। तो ये जो समय रहेगा इसमें कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा ये बीतेगा, आपका 5 दिन का समय जो बहुत अच्छा बीतेगा, और इसका आपको थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं सावधानी रखनी है। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है, साथ देने वाला समय है। अब अगर बात करें 13 और 14 अक्टूबर की, 13 और 14 अक्टूबर को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा आपकी राशि स्थान से तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आप ना तो बहुत ज़्यादा जो साहसिक कार्य हैं वो कर पाएंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा आप लेजी फील करेंगे। आप बिल्कुल मध्यम रहेंगे। आपका जो रिलेशन है छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई विवाद चल रहा था तो दूर हो जाएगा, और आपसी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय में आप अचानक कहीं छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं कुछ, और उन यात्राओं से आपको विशेष लाभ होगा। इस समय में जो भी आप यात्रा करेंगे वो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर सकते हैं, या कहीं दूर घूमने जा सकते हैं। अगर आप एक कवि हैं, अगर आप एक राइटर हैं, तो ये समय और भी अच्छा आपके लिए है। हालांकि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है अपने बिजनेस को संभालने में, क्योंकि चंद्रमा का थर्ड हाउस में आना, थर्ड हाउस आपका जो डेली का जो बिजनेस का काम है उसको संभालने के लिए देखा जाता है, और चंद्रमा जो कि फोर्थ हाउस से संबंध रखता है नेचुरली, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लेजी फील करेंगे। आप आराम चाहेंगे जो भी काम करेंगे उसमें, आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा जाना, कहीं से आना वो पसंद नहीं होगा। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप काम को थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से करना चाहेंगे। चंद्रमा यहाँ से 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस को देखेंगे तो आपको आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, आपके पिता से आपको हेल्प मिलेगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जो पत्रकारिता के फील्ड में हैं, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ से चंद्रमा जब 9th को देख रहे हैं तो आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये समय बेहद खास है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो भी काम है वो आपका बन जाएगा। तो ये समय काफ़ी अच्छा है। अंतिम जो ये 2 दिन हैं वो आपके लिए बेहद खास हैं, और ये पूरा वीक ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस वीक में जितने आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको कुल मिलाकर ज़्यादा रहेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस वीक का उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस वीक में शुभ अंक और रंग की। तो आपके लिए शुभ अंक रहेगा 1 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लू यानी नीला। तो फिलहाल बस आपके साथ आपके साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।